बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पाकिस्तान बहुत ही बड़ा फैसला करने के लिए जा रहा है। खित्ते में ख़तरनाक जंग का आगाज हो चुका है। अब देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। 200 से ज़्यादा तालिबान शहीद हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा तालिबान मारने का दावा भी किया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई है। ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है। याद रहे कि अमेरिका के जहाज़ आते हैं और तालिबान पर स्ट्राइक करके वापस चले जाते हैं और पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अब इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान ने फैसला लेना है कि क्या करना है। अमेरिका को हमने मना किया, लेकिन फिर भी हमारी जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका के जहाज़ों को उड़ाने वाला है? दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने फिर हमास पर रॉकेट दाग दिए। मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए आ रहा है इसराइल। रूस की इसराइल को वार्निंग जारी। रूस पाकिस्तान और चीन को सपोर्ट कर रहा है। रूस ने कहा कि हम इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे, हम कभी भी मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं होने देंगे। सूरतेहाल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बन चुकी है। तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि असल कहानी क्या है और किस तरीके से स्ट्राइक किया गया तालिबान पर, कितने तालिबान शहीद हुए, क्या पाकिस्तान अमेरिका के जहाज़ गिराने वाला है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सकें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि जो अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर स्ट्राइक कर दिया है, याद रहे कि इसमें कई जहाज़ शामिल थे जो पाकिस्तान की हदूद से गुजर कर गए और तालिबान पर हमला कर दिया। अमेरिका के जहाज़ों की वजह से 200 से ज़्यादा तालिबान जो हैं वो मौके पर शहीद हो चुके हैं। अब देखें कि तालिबान जहां पर अकेले हो चुके हैं और अमेरिका, भारत और गनी किस तरीके से तालिबान को खित्ते से ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका ने तालिबान की सरजमीन को छोड़ दिया, लेकिन अपनी जो बेइज्जती है वो नहीं भूल रहे। पहले अमेरिका ने भारत को असला बारूद दिया और उन्होंने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। फिर मोदी सरकार ने अशरफ गनी को वो तमाम तर असला दिया और उन्होंने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके 250 से ज़्यादा तालिबान को शहीद कर दिया था और 35 इजला पर दोबारा अपना कंट्रोल भी हासिल कर लिया था। और आज अमरीका की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। तालिबान की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और जानबूझकर अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब मना किया तो बार बार अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल क्यों कर रहा है। अमेरिका की तरफ से दूसरी मरतबा हम पर स्ट्राइक किया गया है। अब पूरी दुनिया यही सवाल उठा रही है कि क्या वाकया इमरान खान साहब अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के साथ गेम कर रहे हैं। असल में हम आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब यहां पर बहुत ही मजबूर हो चुके हैं। अगर वो अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो लाजमी सी बात है, जिस तरीके से हमारी पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारों को गिराया था, उसी तरीके से अमरीका के जंगी तैयारों को गिराना पड़ेगा, अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को गिराना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से बार बार अमरीका को मोहलत दी जा रही है, लेकिन अमरीका यहाँ पर बाज नहीं आ रहा।
अमेरिका चाहता है खित्ते में जंग जंग का माहौल हो, हर तरफ खून खराबा हो, ताकि अमेरिका का जो असला बारूद है वो फरोख हो। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको दूसरी तरफ ये भी बताते चलें कि इसराइल ने फिर हमास पर रॉकेट मुकम्मल तौर पर दाग दिए हैं और मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के लिए इसराइल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मस्जिद अक्सा की तरफ भी रॉकेट दाग दिए गए हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि रूस ने इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। रूस की तरफ से पहले भी इसराइल को वार्निंग दी गई थी, लेकिन इसराइल बाज नहीं आ रहा था। इसराइल ने अपना जो मुआहदा है वो तोड़ दिया था। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल अब जो भी कर रहा है वो अमेरिका के कहने पर कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये जितनी भी यहूदी ताकतें हैं ये एक हो चुकी हैं और एक होकर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इन सब की एक ही सोच है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। इनकी वजह से खित्ते में जंग का माहौल पैदा होता है। इसराइल का पहले मुआहदा हो गया था, लेकिन जो बाइडन के हुक्म पर इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर फिर रॉकेट दागे और मस्जिद अक्सा पर अब कब्जा करने के लिए इसराइल आ रहा है, लेकिन आगे से जो फलस्तीन है वो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। फलस्तीन के जो लोग हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और उन पर रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और शैलिंग की जा रही है। रबड़ की गोलियां लगने से कई फलस्तीनी जो हैं वो मौके पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो मस्जिद अक्सा की तरफ किसी भी इसराइली फौजी को नहीं आने दे रहे। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए और फलस्तीनियों की मदद करने के लिए तुर्की की जो फौजी हैं वो जल्द से जल्द अब देखें कि इसराइल के खिलाफ एक्शन लेंगी। अब जितने भी यहूदी ममालिक हैं उनको अपनी जान की फिक्र पड़ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलमानों की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जा रही है, जबकि हम सबसे ख़तरनाक ममालिक हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आप देख लें, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। तमाम तर ममालिक पाकिस्तान के साथ सरमाकारी कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त हर एक वो टेक्नोलॉजी है जो शायद अमेरिका के पास भी ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब कुमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।